हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत में दो भाई बहन जंग और क्योंग को दिखाया जाता है। आज स्कूल में क्योंग अपने भाई जंग का रिजल्ट लेने के लिए आई थी। वहाँ पर एक लेडी क्योंग को पूछती है, तुमने पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? क्योंग बोलती है, मॉम की डेथ के बाद उसे भाई और पापा का ख्याल रखना था, इस वजह से छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, क्योंग सबको बता रही थी मेरे भाई के मैथ में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। क्योंग अपने भाई के लिए बहुत खुश थी, उसकी ट्रॉफी सबको दिखा रही थी। उसके बाद ये दोनों भाई बहन एक टनल के रास्ते जा रहे थे, क्योंकि इनके विलेज और सिटी को कनेक्ट करने वाला ये अकेला रास्ता था। क्योंग जंग और कुछ गांव वाले उस रास्ते से जा रहे थे, तभी ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग जैसे तैसे साइड में होकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद। जंग प्रेसिडेंट को एक लेटर में अपने गांव की हालत के बारे में बता रहा था। गांव में एक रेलवे स्टेशन ना होने की वजह से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट सीन में क्योंग और जंग रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि जंग को पढ़ाई करने के लिए शहर जाना था। जंग हमेशा उस रास्ते को अपनी बहन के साथ ही क्रॉस करता था। आज जंग कॉलेज में बहुत लेट पहुंचा था, इसलिए पहले जंग लाइन की लास्ट में जाकर खड़ा हो जाता है, पर फिर उसे लगता है उसने रूल को तोड़ा है, इसलिए वो हाइट वाइज खड़ा होने आता है। इसकी ये हरकत देखकर सारे स्टूडेंट हंस रहे होते हैं, पर जंग के लिए ये सब बातें मायने नहीं रखती थी, उसने तो रूल को फॉलो किया था। नेक्स्ट सीन में स्टेशन पर सब लोग वहाँ संगवे स्टेशन को कैसे बचाना है ये बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि जल्दी ये स्टेशन बंद होने वाला था। अगर ऐसा हो जाता है तो इस विलेज का और बाहरी दुनिया के बीच कॉन्टेक्ट खत्म होने वाला था। जंग आज फिर लेट कॉलेज पहुंचा था, आज उनका टेस्ट चल रहा था, इसलिए जंग जल्दी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगता है, पर शीट में जंग को आंसर ना भरते हुए देखकर टीचर उसे अजीब तरीके से देख। इसके बाद रही नाम की क्लासमेट आंसर शीट कलेक्ट करने आई थी। यहाँ जंग ने तो अब तक शीट में आंसर मार्क किए ही नहीं थे। राही बोलती है, जल्दी से सारे आंसर टिक करो। जंग भी 2 लाइन खींचकर उसे दे देता है। ये देखने के बाद राही ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, मुझे तो जंग बहुत इंटेलिजेंट लगता था। राही बोलती है, मुझे जंग थोड़ा पागल लगता है। राही की फ्रेंड बोलती है, चलो प्रूफ कर दिखाओ आखिरकार क्यों तुम्हें जंग पागल लगता है। राही बोलती है, अपनी हथेली दिखाओ। उसकी फ्रेंड अपनी हथेली दिखाती है। उसके बाद राही बोलती है, अपने नेल्स दिखाओ। उसकी फ्रेंड अपने हाथों को पलट कर नेल्स भी दिखाती है। ये सब करने के बाद राही बोलती है, अगर मैं ऐसा करने के लिए किसी को भी कहूंगी तब दुनिया के सारे लोग यही करेंगे, पहले अपनी हथेली दिखाएंगे और बाद में अपना हाथ पलट कर नेल्स दिखाएंगे। पर पता है जब मैंने जंग को ऐसा करने के लिए कहा तो उसने क्या किया? पहले तो उसने अपनी हथेली दिखाई, पर जब नेल्स दिखाने के लिए बोला तब उसने अपने हाथों को बंद कर लिया। उसकी फ्रेंड बोलती है, ये तो इंटेलिजेंट वाला साइन नहीं है। पर राही को तो जंग अभी भी पागल ही लग रहा था। नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी में जंग बुक्स पढ़ रहा था, तभी वहाँ राही आकर उसे ही देख रही थी। उसके बाद जंग अपनी जगह बदल लेता है, पर राही भी उसके पास आकर बैठ जाती है। उसके बाद राही उसे पूछती है, तुम मुझे पसंद करते हो ना? जंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्या ये पागल हो गई है। नेक्स्ट डे राही जंग को लेटर बॉक्स में लेटर पोस्ट करते हुए देख लेती है। राही को लग रहा था उसने ये लेटर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है, इसलिए राही उसका बैग चेक करती है, पर ये लेटर गर्लफ्रेंड के लिए नहीं प्रेसिडेंट के लिए था। ऑफिस में टीचर जंग से बोलते है, तुमने लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ ली थी तो ये डॉक्टरियल थीसिस क्यों छोड़ दी है। उसके बाद नेक्स्ट डे जंग जब रास्ते में था तब उसे राही बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा पॉलिटिक्स में हैं। ये सुनने के बाद जंग रुक जाता है। जंग राही से मदद लेने के लिए हाँ बोल देता है। यहाँ अब राही उसकी मदद करने के लिए रेडी थी, पर उसकी मदद करने से ज्यादा उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट था, क्योंकि राही को जंग के बारे में बहुत कुछ जानना था। जंग हमेशा इसी इंतजार में था कि राही उसे कुछ तो सिखाएगी। उसके बाद राही उसके लेटर की सारी मिस्टेक बताती है। उसके बाद ये दोनों अलग अलग सेम लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट को पोस्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों में से एक भी लेटर अगर प्रेसिडेंट तक पहुंच गया तो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जंग राही को अपने विलेज की सारी प्रॉब्लम बता देता है। राही जंग को आइडिया देती है, क्यों ना तुम ऐसी कोई मशीन बनाओ जिससे ये पता चल सके कि ट्रेन आने वाली है या नहीं। जंग को राही का आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए शाम से ही उस पर काम करना स्टार्ट करता है। क्योंग उसे ये बनाते हुए देख रही थी, जब क्योंग पूछती है क्या बना रहे हो, पर पहले तो जंग वहाँ से भाग रहा था लेकिन फिर बाद में उसे बता देता है। नेक्स्ट डे जंग सारे गांव वालों को अपना काम दिखाता है और सबको बताता है ये मशीन कैसे काम करती है। ये सब देखकर सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। जंग अपना रूम साफ कर रहा था,
तब उसे जो प्रोफेसर ने बुक दिया था वो मिल जाती है। उसके बाद उस बुक को पढ़ के कम्प्लीट करने के बाद प्रोफेसर को लुटा देता है, पर प्रोफेसर उसके हाथ में और बुक थमा देता है। ये देख कर वो सोच रहा था सर मेरी हेल्प कर रहे हैं या फिर अपनी। उसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ राही और जंग अपने फ्यूचर प्लान और ड्रीम के बारे में बोल रहे थे। जंग का कोई भी बड़ा सपना नहीं था। राही जंग को बोलती है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो सियोल जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ करियर के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन जंग उसकी इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। उसके बाद रात को जंग एक बुक ब्लैंकेट के अंदर छुप कर पढ़ रहा था। उसकी बहन क्योंग उसे पकड़ लेती है। जंग बोलता है ये बुक मुझे राही ने दी थी। क्योंग ये बात सुनकर बहुत खुश थी, एटलीस्ट उसके भाई की जिंदगी में कोई लड़की तो आई। पर अपने भाई को राही का नाम लेकर चिढ़ाने लग जाती है। जंग बोलता है हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हमें जंग और राही को दिखाया जाता है। ये दोनों अब बहुत फैमिलियर हो चुके थे। जंग को भी राही के साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। एक दिन राही जंग को बोलती है अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करो और स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करो। राही जंग से कुछ सवाल पूछती है पर जंग किसी का भी प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता। पर जब मैथ के सवाल करती है तब जंग बहुत अच्छे से आंसर देता है। उसके बाद उसे मैथ क्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती है। उस क्यूज में पार्टिसिपेट कर जंग जीत भी गया था। उसके बाद उसे प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जाता है और इसके लिए उसे किसी और सिटी में भेजा जाने वाला था। इस बात से जंग खुश नहीं था क्योंकि प्रेसिडेंट सियोल में रहते थे। राही बोलती है हम प्रेसिडेंट के पास मिलने सीधा चले जाते हैं। जंग को ये आइडिया अच्छा लगता है। उसके बाद ये दोनों प्रेसिडेंट से मिलने चले जाते हैं पर जंग को बहुत वॉमिटिंग होने की वजह से वापस आना पड़ता है। राही उसे बोलती है तुम लेटर ही लिखो, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। राही बोर हो रही थी इसलिए ये दोनों राही के घर जाते हैं। घर में कोई नहीं था इसलिए जंग वापस जाने वाला था। राही उसे रोक लेती है। ये दोनों मूवी देख रहे थे, मूवी में किसिंग सीन चल रहा था, दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उसके बाद दोनों किस के लिए क्लोज आ रहे थे, अभी टीवी खराब हो जाता है। फिर दोनों ही टीवी सही करने लगते हैं। उसी टाइम राही की मोम आती है। राही जंग को अपनी मोम से इंट्रोड्यूस करवाती है। जंग एम्बेरस फील कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे राही क्लास में नहीं थी। ये देखकर जंग को ऐसा लग रहा था कहीं उसकी वजह से राही के पेरेंट्स ने उसकी पढ़ाई तो छुड़वा नहीं दी। उसी टाइम एक लड़की बताती है राही अपने डैड के साथ यूनिवर्सिटी ऑफिस में थी। जंग वहाँ जाता है और नीचे झुक के बोलता है अंकल इसमें राही की कोई गलती नहीं है, हम लोग तो टाइम पास कर रहे थे। राही उसे इशारा करके समझाती है जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। अब जंग समझ जाता है। राही के डैड जंग का इतना स्वीट गेस्टर देखकर उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करने का डिसाइड करते हैं। शाम को जंग घर आ रहा था तभी वो देखता है उसकी मशीन खराब हो गई थी, नीचे एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर जंग बहुत डर जाता है। यहाँ में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंग छोटा था और स्टार्टिंग वाला सीन जब ये लोग ट्रेन आने की वजह से साइड हुए थे तब जंग की ट्रॉफी गिर गई थी। उसे पकड़ने के चक्कर में उसकी बहन क्योंग भी गिर गई थी। इसका मतलब अब तक जो क्योंग हमें और जंग को दिखाई देती थी वो क्योंग की सोल थी, यानी जंग की बहन क्योंग उस दिन मर गई थी। जंग के डैड अपनी बेटी के लिए पागलों की तरह रो रहे थे। उन लोगों को बस उस दिन ट्रॉफी मिली थी, क्योंग की बॉडी नहीं। इस वजह से जंग बहुत टूट गया था, उस ट्रॉफी को फेंक देता है पर कुछ टाइम बाद वापस ट्रॉफी अपनी जगह में थी और वहाँ क्योंग की सियोल भी। जंग क्योंग को गले लगाते हुए बोलता है आज के बाद कभी भी छोड़ के मत जाना और क्योंग की सोल तब से जंग के साथ है, क्योंकि क्योंग अगर जाएगी तो उसका भाई ये सब हैंडल कर नहीं पाता। प्रेजेंट में राही जंग को अपने साथ सियोल ले जाने आई थी पर जंग को अपने गांव में एक स्टेशन बनाना था इसलिए नहीं मानता। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने राही का दिल तोड़ दिया था। उसके बाद जंग को प्रेसिडेंट ऑफिस से फोन आता है। जंग ये न्यूज सबको सुना देता है, स्टेशन बनवा दिया जाएगा पर ओलंपिक्स खत्म होने के बाद। जंग बोलता है हमें परमिशन मिल चुकी है, क्यों ना हम खुद ये काम स्टार्ट कर दे। लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता सिवाय एक लड़की के। उसके बाद जंग अपने काम में लग जाता है। जंग को इतना मेहनत करते हुए देखकर एक और लड़का इनके साथ आता है और ऐसे ही गांव वाले भी आ जाते हैं और कुछ दिनों में काम खत्म हो जाता है और स्टेशन रेडी हो जाता है। घर में आने के बाद राही उसका वेट कर रही थी। राही उससे मिलने यहाँ आई थी और बार बार उसकी बहन क्योंग के बारे में पूछ रही थी क्योंकि राही को क्योंग की सोल दिखाई नहीं देती थी। राही जंग को फिर से बोलती है इस गांव से बाहर निकलने को। जंग उसकी बात नहीं मानता। राही को उसके घर रुकना था पर जंग उसे घर छोड़ने चला जाता है। राही उसे अपना न्यू एड्रेस देती है।
रास्ते में बहुत सारे जुगनू चमक रहे थे, ये बहुत अच्छा दिख रहा था। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर जंग को बताते हैं कि कोरिया का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स और साइंस कंपटीशन होने वाला है, इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। जो विनर बनने वाला था उसे बाहर जाने का मौका दिया जाने वाला था। नेक्स्ट सीन में सब लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, पर जब ट्रेन आती है जंग के डैड उसे नहीं रोकते क्योंकि उनको इसका ऑर्डर मिला नहीं था। जंग बहुत सैड हो जाता है। जंग के डैड एक आर्टिकल देखते हैं जहां जंग का इंटरव्यू था। जंग के डैड एडिटर को बहुत सुना रहे थे, तुमने मेरे बेटे के बारे में गलत क्यों लिखा है कि उसने स्टेशन बनवाया है। एक्चुअली में स्टेशन जंग ने अपनी बहन और मॉम की वजह से बनवाया था क्योंकि उसकी वजह से ये दोनों मारे गए थे। प्रेसिडेंट ने उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया था। जंग बहुत सैड था और अपनी बहन क्योंग की सोल को बोलता है, तुम्हें पता है मैंने ये स्टेशन क्यों बनवाया है? क्योंकि मॉम मुझे पैदा करने के बाद ही मर गई थी और तुम मेरी ट्रॉफी को बचाते हुए पानी में गिर गई थी और कभी वापस ही नहीं आई। मैं चाहता था डैड मुझे माफ कर दे क्योंकि इन सब का जिम्मेदार मैं ही था। क्योंग बोलती है, क्या तुम डरपोक हो, हर बात पर रोने लगते हो, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। जंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जंग के डैड अपने बेटे के लिए बहुत सैड थे। प्रोफेसर एग्जाम के बारे में बोल रहे थे, यहाँ पर अगर सब कुछ सही हुआ तो जंग नासा का साइंटिस्ट बन सकता है। उसके बाद जंग के डैड आज ट्रेन को रोक देते हैं, इस वजह से उनकी नौकरी खतरे में आ सकती थी। उसके बाद जंग के डैड जंग को सियोल का एग्जाम देने के लिए बोलते हैं। ये दोनों गाड़ी में जाते हैं, जंग लेट पहुंचता है। इसी चक्कर में जंग के डैड गार्ड से लड़कर बेटे को एग्जाम हॉल तक पहुंचाते हैं। कुछ महीनों बाद रिजल्ट घर तक पहुंच जाता है। जंग ने वो एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया था, ये सुनकर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। और आज वो बोलते हैं, पता है मुझे लाइफ में दो रिग्रेट थे, पहला तुम्हारे बर्थ के बाद तुम्हारी माँ के पास मैं नहीं था, दूसरा फोर्थ क्लास में तुम्हें ट्रॉफी मिलने के बाद मैं वहाँ नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है उस दिन ट्रेन उसके डैड ही चला रहे थे। इसका मतलब अब तक जिस बात के लिए जंग अपने आप को जिम्मेदार ठहराता रहा, कहीं ना कहीं उसके डैड भी उसके जिम्मेदार थे। बेटी के जाने के बाद डैड को बहुत बड़ा धक्का लगा था। जंग बोलता है, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए जैसा मैंने किया था। यहाँ हमें पता चलता है उसके डैड ने सुसाइड करने का भी ट्राई किया था बेटी के मरने के बाद। लड़कियों की सोल ने अपने डैड को बचा लिया था। इसके बाद हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। जंग का बनाया हुआ स्टेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई थी। इसके बाद क्योंग जंग को बोलती है, शायद मुझे अब जाना चाहिए, मेरा भाई अब बड़ा हो चुका है। तो ये कहकर क्योंग गायब हो जाती है। जंग बहुत सैड होता है पर उसे रोक भी नहीं सकता था। के बाद जंग राय को एयरपोर्ट लेने जाता है। राय उसे सबके सामने बहुत मारने लगती है क्योंकि उसने उससे बहुत दिन से कॉन्टेक्ट नहीं किया था। राय बोल दिया, अब मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम टाइम से खाओगे, सोओगे और किसी और लड़की को नहीं देखोगे। ये सुनकर जंग उसे किस कर देता है। तो यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।